अब देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। दिल्ली में तापमान के साथ गर्म हवाएं चल रही हैं और ये कब तक चलेंगी और किस तरीके का तापमान कब तक बढ़ता रहेगा? हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक चरण सिंह जी हैं। चरण जी, जिस तरीके से गर्म हवाएं चल रही हैं, ये कब तक चलेंगी और किस तरीके से तापमान जो है आने वाले दिनों में बढ़ेगा क्या? देखिए, जैसा आपने गर्म हवाएं या लू कहा, तो वैसी स्थिति तो नहीं है। हालांकि तापमान दिल्ली में या दिल्ली के आसपास 40 के आसपास बने हुए हैं और इस तरह की जो मौसम है, जो 40 के आसपास NCR के तापमान हैं, ये अगले 4 से 5 दिन भी रहेंगे। रहा गर्मी का कारण, तो गर्मी खास तौर से ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया के तमाम एरियाओं में धीरे धीरे ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, जिससे हमें को गर्मी का एहसास ज़्यादा हो रहा है। ह्यूमिडिटी की बात करिए आपने, वो कब तक आने वाले दिनों में, क्या दिन में बढ़ेगी या फिर किस तरीके से रहने वाला है? देखिए, अगर पिछले वीक की बात करें तो जो तापमान जब 42-43 पहुँचते हैं, तो दिन में खास तौर से अगर हम दोपहर की बात करें तो RH लेवल कई बार 20-25% रह जाता है एटमॉस्फेयर में, वो अब बढ़ के करीब 35-40 हो गया है और ये सुबह के समय में और अधिक हो जाता है, ये 65-60, 60-65 तक पहुंच जाता है, जिससे गर्मी का एहसास होता है। जहां तक तापमानों की बात है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी बात करें, तो कल दिल्ली में तापमान 39 के आसपास रिपोर्ट किया गया। उसी तरह से अगले 4 से 5 दिन NCR दिल्ली में तापमान 40-41 के आसपास बने रहेंगे, उससे ज़्यादा बढ़ोतरी की अभी संभावना नहीं है। नॉर्थ इंडिया की बात करें तो किस तरीके का रहेगा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल का मौसम? देखिए, मैं दो तरह से बताऊंगा। पहले हम तापमान की अगर बात करें, तो पूरे नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो प्लेन है, तापमान इसी तरह के बने रहेंगे। अगर हम इसमें से अगर यूपी की बात करें खासतौर, तो यूपी के दोनों ही पार्ट, ईस्ट और वेस्ट में, इक्का दुक्का जगह में हीट वेव जैसी स्थिति अगले 4 से 5 दिन इक्का दुक्का जगह में डेवलप होगी और बाकी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कहीं हीट वेव नहीं होगी। अब अगर हम थंडर स्टॉर्म की बात करें, तो थंडर स्टॉर्म जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें स्कैटर टाइप की थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी। वहीं अगर हम प्लेन्स की बात करें, खासतौर से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, यूपी की, तो वहाँ इक्का दुक्का जगह में थंडर स्टॉर्म के साथ धूल भरी हवाएं भी चल सकती हैं, खासतौर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में। अगर साइक्लोन की बात करें, जिस तरीके से आ रहा है, क्या नॉर्थ इंडिया पर इसका कोई असर पड़ेगा क्या? देखिए, अभी ये एनालिसिस का पार्ट है, इसमें बेटर तो साइक्लोन वार्निंग डिवीजन जो IMD में कार्यरत है वो बताएंगे, पर पास्ट में ऐसा देखा गया कि कोई भी साइक्लोन जब गुजरात पे क्रॉस करता है तो उसका थोड़ा बहुत असर नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर आता है। मानसून की अगर बात करें, तो कब तक आने की उम्मीद जो है नॉर्थ इंडिया में आने की उम्मीद है मानसून की? देखिए, मानसून के लिए अभी नॉर्थ इंडिया के लिए मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि अभी मानसून बहुत दूर है, क्योंकि दिल्ली की ही सामान्य जो तिथि है मानसून की, वो 29 जून है, तो अभी इंतजार करना होगा। तो बिल्कुल अभी मानसून के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान जरूर बढ़ेगा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी।